दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में मैकबेरी पीडी सिरप के बारे में। भाई क्या है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, किस तरह से काम करती है, डोज क्या होती है, साइड इफेक्ट क्या है, जानेंगे सब कुछ। सो देखिएगा, देखिए मैकबेरी पीडी एक ब्रांड नेम है मैगलोर्स कंपनी का। मैगलोर्स कंपनी बनाती है इसको। चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों के डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा एक साल से लेके 4 से 5 साल तक का है तो वहाँ इसका यूज किया जाता है। लगभग हर दवाई दुकान पर, हर केमिस्ट स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, तो दोस्तों ये बच्चे को गीली खांसी में देते हैं, जकड़न की प्रॉब्लम में देते हैं, एक्सपेक्टो रेंटे ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर में देते हैं, अस्थमा की प्रॉब्लम में देते हैं, बच्चे की छाती में बहुत ज़्यादा कफ है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, सांस नहीं आ रहा, कफ जम गया सांस ले, तो वहाँ कफ को क्लीन करने के लिए देते हैं। गीली खांसी है, वेट कफ है, वहाँ दी जाती है। अस्थमेटिक एलर्जी है, अस्थमा है, छाती के अंदर तैंते की आवाज़ आती है, वहाँ दी जाती है। इसके साथ दोस्तों अगर गले में कफ है, गले में खरखर रहती है, नाक में कफ है, नाक बंद रहता है, वहाँ पर भी काम कर देती है। बात करें भाई किस तरह से काम करती है, तो इसके अंदर आते हैं 3 सॉल्ट। पहला है लेवो सल्बुटामोल, दूसरा है एम्ब्रोक्सोल, तीसरा है ग्यूफिनसिन। दोस्तों लीवो सल्बुटामोल ब्रीथिंग को इजी करता है, कफ को क्लीन करता है श्वास लेने से। एम्ब्रोक्सोल ब्रीथिंग को और भी इजी कर देता है, कफ नली को चौड़ा कर देता है, श्वास नली को चौड़ा कर देता है, जिससे कि ब्रीथिंग करने में और आसानी हो। ग्यूफिनसिन दोस्तों एक्सपेक्टोरेंट है, कफ को पतला और ढीला करके बाहर निकालने में काम आता है। बात करें भाई डोज की, तो बच्चे का बॉडी वेट देख के, उसकी उम्र देख के डोज डॉक्टर बता देते हैं, लेकिन नॉर्मल डोज इसकी होती है 5 ml दिन में दो बार दे सकते हैं। बात करें भाई साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो देखिए थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि बच्चे को नींद आना, दिक्कत होना, लूज मोशन लगता, या वोमिट कर देना, सर दर्द होना, ये इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी बच्चे को नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं, तो घबराने की बात नहीं है। सावधानी इसकी है कि डॉक्टर की सलाह दीजिएगा, सेल्फ यूज़ नहीं करना है, देने के बाद अगर बच्चे को साइड इफेक्ट हो भी जाए तो तुरंत डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों इतना संपूर्ण रिव्यू, वीडियो से का कौन हो सकता है, कुछ भी समझाओ, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलती है।